हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सूट पर रखकर सूट की कटिंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी फिटिंग की कुर्ती ले लेनी है, या आप जिसके लिए कुर्ती बना रहे हैं उसके साइज़ की आपको कुर्ती ले लेनी है जो उसके एकदम फिटिंग की हो। 2 मीटर कपड़ा और मेजरमेंट के लिए कुर्ती ले लिया है। कपड़े को हमें खोल लेना है। देखिए, कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में कर लिया है। अभी इसे हम एक और फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने 4 फोल्ड में कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए, कुर्ती को हम सेंटर से फोल्ड कर देंगे। एकदम अच्छे से फोल्ड करेंगे ताकि इसके बीच में कोई भी सिलवट ना रहे। यहाँ पर हम शोल्डर, आर्म होल और साइड को अच्छे से मिला लेंगे। फोल्ड साइड के ऊपर हमें फोल्ड साइड ही रखना है। अब देखिए, कपड़े की जितनी लेंथ है, मुझे पूरी लेंथ लेनी है, तो मैंने कपड़े को इस तरह से प्लेस किया हुआ है। अब हम नेक की चौड़ाई पर निशान लगाएंगे और आर्म होल 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर निशान लगाएंगे जो हमारी सिलाई में जाएगा। अब हम शोल्डर पर निशान लगा लेंगे और एज अ टिक पूरे पे निशान लगा लेंगे ऊपर से नीचे तक। ये देखिए, ये हमारा स्लीट रहेगा, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे और कमर पे भी मार्क कर लेंगे। इस तरीके से हम हिप लाइन, कमर लाइन और चेस्ट लाइन पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो हमने आर्म होल का निशान लगाया था उससे हम शोल्डर से सीधी लाइन एक ड्रॉ करके जोड़ देंगे। अभी हम साइड में 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अभी हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल होगा। अभी देखिए, ये बैक का आर्म होल है, तो हम फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की ओर 1 इंच पर मार्क करेंगे और शोल्डर से जोड़ देंगे। अभी यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल होगा। देखिए, हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए, यहाँ से हमारा स्लीट आएगा, तो हम यहाँ से एक स्मॉल सा कट लगाएंगे। इस तरीके से हमें नेक को फोल्ड कर लेना है और कमीज पर रख कर निशान लगा लेना है। हम इन दो निशानों को आपस में लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे। इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और आपस में मिला देंगे। उसके बाद हम नेक की शेप देंगे। नेक की शेप देने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने दोनों नेक की कटिंग कर ली है इसी तरीके से। अब हम नेक के कटे हुए कपड़े से गले की पट्टी निकालेंगे। इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और बंद वाले साइड की तरफ बंद वाली साइड रखेंगे और इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम 1.5 इंच पर इसी तरीके से राउंड शेप में निशान लगा लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से हम फ्रंट और बैक दोनों नेक के गले के पट्टे की कटिंग कर लेंगे। देखिए, मैंने स्लीव्स के लिए कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसे हमने 4th फोल्ड करना है। इस तरीके से हमें कपड़े को 4th फोल्ड कर लेना है। अभी हमें इस तरीके से स्लीव्स को पकड़ना है और फोल्ड साइड की तरफ फोल्ड साइड करके स्लीव्स को रखना है। अब आर्म होल पर निशान लगाएंगे और इसी शेप में हमें इसे ड्रॉ कर लेना है पूरा। अभी हमने जहाँ पे स्लीव्स को शोल्डर से अटैच किया है वहाँ पे भी निशान लगा लेना है और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर देना है और 1 इंच का हम साइड में मार्जिन दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हम अंदर की साइड
हाफ इंच इस तरीके से मार्क करके इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे स्लीव्स की फ्रंट साइड होगी। देखिए इस तरीके से मैंने कुर्ती और स्लीव्स की कटिंग कर ली है। आप इस मेथड से किसी भी साइज़ की कुर्ती और स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।